मैं आज उनको चैलेंज देता हूँ। अरे सूरज बैठ जाओ भैया, ऐसे नहीं खड़े होते। दादा पिक्चर बन जाइए, बाद में मैं आपका विद्यार्थी बनता हूँ। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहाँ पर टैगोर बैठा थे। श्री राजीव गांधी का वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे, मगर मैं इसमें इनका दोस्त नहीं देखता। उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। श्री अधिरंजन चौधरी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पार्टी के अध्यक्ष बंगाल जाते हैं। मैं गया तब मैं विश्व भारती में गया, शांति निकेतन में गया और गुरुवर टैगोर की कुर्सी पर मैं बैठ गया। अब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, उस वक्त मैं उनको भाषण के अंदर टोकना नहीं चाहता था, मगर जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रिकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए। तो मेरा विनम्र दायित्व होता है कि मैं स्पष्टता आपके माध्यम से सदन के सामने रखूं और देश के सामने भी रखूं। माननीय, मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। और माननीयवर उसी स्थान पर जी जी हाँ रखता हूँ अभी पूरा होने दे, आप बैठिए, रखता हूँ, आप बैठिए दादा। माननीयवर उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि सब जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है माननीय, मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता। उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। माननीय, मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा थे, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। तो इसके कारण माननीयवर इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है, मगर मेरा कृपया आपसे अनुरोध है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दिया जाए और इस बात को मैं जो दादा की अपील पर इसको सदन के पटल पर भी रखना चाहता हूं, जिससे हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। दूसरी बात कि जो इस सदन में नहीं है इसका उल्लेख, अरे सूरज बैठ जाओ भैया, ऐसे नहीं खड़े होते, इसका उल्लेख यहां पर नहीं होता है। जो सदन में नहीं है उपस्थित उसके नाम का उल्लेख करना यहां मर्यादा होती है। फिर भी मेरे पार्टी के अध्यक्ष के नाम का उन्होंने उल्लेख किया, वो भाषण को भी मैंने पूरा सुना है। मैं आज उनको चैलेंज देता हूं, अगर नड्डा साहब ऐसा बोले हैं तो वो रिकॉर्ड पर रखे, कहीं नड्डा साहब ऐसा नहीं बोले हैं जो कल उन्होंने कहा है। ये दोनों बातें सत्य से बहुत दूर है, इसलिए इसको रिकॉर्ड पर से ये आपसे दादा बैठिए, ये दादा पिक्चर बन जाइए, बाद में मैं आपका विद्यार्थी बनता हूँ। माननीयवर इसको आपके घर है, आप प्रोफेसर है, बैठ जाइए। माननीयवर मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके रिकॉर्ड को करेक्ट करना चाहिए और करेक्ट करने के लिए मैंने जो ये बात करी है ये फोटोग्राफ और शांति निकेतन के उपकुलपति का पत्र जो है इसको रिकॉर्ड पर रखने की आप मुझे अनुमति दीजिए।